क्षेत्र के गांव में गोचर भूमि पर बने मंदिर व झोपड़ियों को हटाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। वहीं मूर्ति को सम्मान पूर्वक गांव के मंदिर में रखवाया गया। ग्रामीण गोचर भूमि पर कब्जे की लंबे समय से शिकायत कर रहे थे। हिरुडा में गोचर भूमि पर कुछ दबंगों ने झोपड़ियां बनाकर व चबूतरे पर भगवान की मूर्तियां स्थापित कर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसकी ग्रामीणों द्वारा कई बार उप जिलाधिकारी खेरागढ़ से लिखित शिकायत की गई थी। बुधवार को SDM नीरज शर्मा, तहसीलदार, राजस्व टीम व पुलिस फोर्स के साथ हिरुडा पहुंचे। उन्होंने गोचर भूमि पर बने झोपड़ियां और चबूतरा बनाकर किए गए कब्जे को हटाकर मूर्तियों को ससम्मान गांव के मंदिर में रखवा दिया। राजस्व टीम में तहसीलदार NP सिंह, नायब तहसीलदार अभिषेक सिंह, कानूनगो सचल कुमार, लेखपाल महेश कुमार, राजीव कुमार, मोहन सिंह, उप निरीक्षक महेश चंद्र फोर्स के साथ मौजूद रहे। हिरुडा में आज हम लोग आए हैं टीम लेकर के। ये पश्चर की जमीन है, 673 नंबर गाटा संख्या की। यहाँ पर कुछ लोगों ने, गांव के जो शरारती तत्व हैं जिसमें एक ये बैठे हुए हैं, इन लोगों ने यहाँ पर मूर्ति स्थापित कर दी और पूरा कब्जा करने का इनका काम चल रहा था। वहाँ सीमेंट की बोरी वगैरह भी रखी हैं, जिससे लगता था कि भविष्य में और ये लोग निर्माण करके यहाँ पर कब्जे का प्रयास करते। सर, इससे पहले उसमें पहले यहाँ पर ये लोग झोपड़ी वगैरह बनाए हुए थे। सर, देख रहे थे आप, झोपड़ी वगैरह हटवा दी गई थी चूँकि भगवान की मूर्तियाँ स्थापित थी, संवेदनशील मैटर है। तो मैंने इसमें खुद ही उसे समझा कि मैं आकर स्वयं ये काम करूँ। तो आज हम लोग आए हैं मूर्तियों को सम्मान के साथ यहाँ से हम ले जा करके गांव के मंदिर में स्थापित करेंगे। ठीक है सर। SDM नीरज शर्मा ने बताया कि लंबे समय से की जा रही ग्रामीणों द्वारा शिकायत के बाद ग्राम हिरुडा में गोचर भूमि को मुक्त कराया गया है। तहसील क्षेत्र में गोचर और ग्राम समाज की भूमियों पर किए गए अवैध कब्जों से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और सभी ग्राम पंचायत में इन भूमियों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। प्रहत दर्पण न्यूज के लिए आगरा देहात से कैमरा पर्सन प्रमोद उपाध्याय के साथ जाकिर हुसैन की रिपोर्ट।